लेकिन एम का रहा कि भाई जब एक हुआ कर रहे तो गगरी इतनी बड्डी निकल आए और इनमें राख। गाइस अगर इस प्लेस का अगर रियल में जानना है ना कि कितना ओल्ड है कितना पुराना है, और जब यहाँ से निकलोगे गाइस तो ये व्यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर अनुज तिवारी एंड यू आर वॉचिंग मेवरिक्स राइडर। सो गाइस आज हम देवर कोठर जाने वाले हैं। देवर कोठर रीवा से, रीवा सिटी से 60 किलोमीटर है, कटरा के पास पड़ता है। हमने काफ़ी सुना है उसके बारे में यार, काफ़ी सही है प्लेस। मतलब वहाँ पे बुद्ध स्तूप पाए गए हैं, बहुत दिशो मौर्यों ने, मौर्य शासक ने, सम्राट अशोक ने वहाँ पे स्थापना कराई थी। और देखते हैं, मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा वहाँ जाके, देखते हैं। जब तक हम जर्नी का मज़ा लेते हैं, कम से कम एक घंटे हमें लगेंगे जाने में, तो जर्नी का ही मज़ा लेते हैं। देखते हैं कुछ व्यू हमें दिखाई देगा। एक्चुअली बाय द वे हम भाटी पहुँच चुके हैं, रीवा से 10 किलोमीटर आगे हम आ चुके हैं। ये हमारे चाचा जी, कुछ बोलना चाहेंगे चाचा जी आप? चल रहे घूमने। कहाँ जा रहे हैं आज हम लोग? बहुत दिस्तों हमने सुना है काफी प्रसिद्ध है, पर आप गए नहीं वहाँ? मैं बताना चाहूँगा गाइस, ये हमारे हैं मलाके चाचा। हम लोग पहले जब मैं छोटा था, काफ़ी इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है और अभी भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं। लाइफ कैसे जीना है इन्हीं से सीखो। वेदर देख सकते हो यार गाइस, काफ़ी अच्छा कूल है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे वेदर होंगे यार। मतलब जब मैं घर से निकला था काफ़ी धूप थी, अभी यहाँ पर कूल मौसम, वेदर देख ही रहे होंगे कैसे बादल हैं। आई थिंक बारिश हो सकती है। तो गाइस अभी हम आ गए हैं इलाहाबाद वाली रोड में। ये देखिए, ये मार्केट से हम निकल के, ये ओवर ब्रिज है, ये ऊपर वाली रास्ता है। यहाँ से डायरेक्ट हनुमाना वाली रोड चली जाती है और आपको देवर कोठर जाने के लिए नीचे आना पड़ेगा। ये इलाहाबाद वाली रोड में स्ट्रेट, अब हमको वहाँ से जाके नीचे से आके इधर रास्ते में जाना होता है। प्रयागराज 97, वाराणसी 210, कानपुर 298, लखनऊ 292, रायबरेली अलीगढ़, इधर से ही जा सकते हैं गाइस। गाइस हम जा रहे थे देव कोठर और रास्ते में हमें एक झरने टाइप का, मतलब एक छोटी सी नहर निकल रही थी इधर, अच्छा लगा यार तो हम रुक गए। आपको भी दिखाते हैं कैसा है, आप देख रहे होंगे ये साइड में कितना अच्छा है ना। अच्छा सो गाइस, जैसे ही हम अगडाल क्रॉस करेंगे हमें आगे चल के ये रोड मिलेगी जिसमें हमें लिफ्ट ले लेना है और सीधे स्ट्रेट हमें चले जाना है और हमारा बौद्ध स्तूप, हमारी मंजिल हमारे पास होगी। सो गाइस बौद्ध स्तूप हम पहुंच गए हैं, 1.3 किलोमीटर और है और स्लाइटली हमें यहाँ से लिफ्ट लेना है। सो गाइस फाइनली हम बौद्ध स्तूप पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ बनाया गया है शायद रुकने वगैरह के लिए, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट है यहाँ पे कुछ बना है। एग्जैक्टली मुझे भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पे कुछ बनाया गया है और ये है यार, देख सकते हो ऐसा है कुछ। वहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ से हमें जाना है अंदर। यार मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, मतलब फेमस है यार रीवा में, काफ़ी फेमस है। मतलब पहले तो वीडियो आपको यूट्यूब में वीडियोस तो नहीं मिलेंगे, बहुत कम वीडियो हैं अबाउट द बौद्ध स्तूप जो ये रीवा में है। ये बरहट गांव में है। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री भी इसका बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, क्या है कैसे कहाँ पे किसने खोज की सब मैं आपको आइडिया दूंगा।
पहले देखते हैं नज़ारा कैसा है यहाँ पे। मौर्यकालीन पथ, यहाँ से मौर्यकालीन मतलब मौर्य अशोक सम्राट मौर्य संस्थापक जो भी रहे होंगे वो यहाँ से गए हैं। सो गाइस ये गढ़ से 10 किलोमीटर अंदर कटरा के पास है। आई थिंक कटरा से तकरीबन कितना दूर है चाचा जी? कटरा से 7-8 किलोमीटर दूर है, अंदर है, मतलब आपको कटरा नहीं जाना है, कटरा से पहले ही आपको पड़ेगा। एक कटरा से भी है, एक कटरा के पहले से भी रास्ता है, मतलब दो रास्ता यहाँ से है। यहाँ पे 46 बौद्ध स्तूप हैं, को हम सब दिखाएंगे यहाँ पे। एक्चुअली गाइस थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, क्या है हिस्ट्री यहाँ की। ये 1982 में खोज की गई थी एके मिश्रा जी के नाम से शायद है, मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था इसके बारे में। एके मिश्रा समथिंग कुछ नाम था उनका, और यहाँ के सरपंच अजीत सिंह हैं, उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट वालों को बताया, जो भोपाल के हैं एके मिश्रा जी, उनको बताया, फिर उन्होंने इसको जोड़ दिया आर्कियोलॉजिस्ट में, प्राचीनतम चीज़ों में से इनको जोड़ दिया गया, इन चीज़ों को। कुछ चाचा आप बताना चाहेंगे? अभी चल के आगे देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी होगा बताया जाएगा। अभी यहाँ का नज़ारा देखा जाए, एकदम ब्यूटीफुल नज़ारा है, कि अभी कुछ कहने का मन नहीं हो रहा, सिर्फ देखने का हो रहा है। ये पत्थर के स्तूप था। ये गाइस ये गुफा है, यहाँ पे कम से कम ना सही तो कम से कम कितने लोग आ जाएंगे इसके अंदर? बहुत बड़ी गुफा है ना। मतलब 100 तो लोग आ ही जाएंगे इसमें। शेर और तंदुरुस्त कुछ नहीं है गाइस, ये है गुफा। यहाँ से ये शायद मोंक लोग, जो बौद्ध लोग होते थे, यहाँ से बिल्कुल योगा पीठ करते रहे होंगे। और ये देखो हरी भरी वादियाँ गाइस, पूजा करते हैं। कितना गहरा होगा ये? बहुत है, हजारों फीट है। ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पे कितनी भी ठंडी कितनी भी गर्मी हो, यहाँ होगी तो आपको थोड़ा सा कूलनेस, यानी मतलब कितनी भी गर्मी बोल सकते हो आप, जितना आप सोच सकते हो उतना सोच लो, पर यहाँ जब आओगे ना तो आपको एक ठंडा ही फील होगा। कि पता नहीं क्या है नेचर का, क्या कुदरत का कौन सा करिश्मा है, बट यहाँ जब भी आओगे आप बिल्कुल ठंडा रहेगा, कूल। सो गाइस ये गुफा है, ये गुफा है, ये बहुत अंदर तक गुफा है, इसका हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितना अंदर है। मैं आगे जाना नहीं चाहता यार, ना रिस्की है, पर बहुत अंदर है, बहुत अंदर तक। कितना अंदर होगा चाचा ये? पर यहाँ लोगों के माने और लोगों का कहना माने तो इसमें इतनी जगह है, 200-300 लोग यहाँ पे आ सकते हैं इस प्लेस में। और जब यहाँ से निकलोगे गाइस तो ये व्यू, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है चाचा? डर भी लग रही है, कहीं डर की ना जाए। डर तो बना है, पर ये बताइए खूबसूरती तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये व्यू और मैं और ये मेडिटेशन, सुबह अगर सुबह सुबह हो तो समझो यार क्या नज़ारा होगा और क्या मेंटल पीस मिलेगी यार। बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस बने हैं चाचा, बहुत अच्छा। मेरे दिमाग में तो बिजनेस आ गया इसके लिए।
सही में बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं यहाँ का सम्राट हूँ, यहाँ से मैं संबोधन दे रहा हूँ अपने प्रजाओं को। ये छोटे छोटे किला नीचे भी हैं, लगता है छोटे छोटे कुछ इमारतें दिख रही हैं बनाए हुए ना। अनाज है यार, क्या हो सकता है चाचा यहाँ का? ये मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि जैसे वहाँ सम्राट बैठते हो और वहाँ से स्पीच देते हो, तो यहाँ उनकी प्रजा बैठ के सुनती हो, है ना? क्योंकि था क्या कि पहले प्रजा से दूरी बना के रखते थे कि किसी प्रजा ने मेरे विरुद्ध कोई मतलब वो हो, घात लगाए बैठा हो, इसलिए थोड़ा स्पेस दे के बैठते थे। तो यहाँ प्रजा के लिए बना था, यहाँ प्रजा बैठती थी, उधर सम्राट बैठ के स्पीच देते थे, तो इसीलिए वो बनाया गया था। इसीलिए बनाया गया है। और यहाँ पे प्रजा बैठती थी, मंत्री वगैरह हो सकते हैं, मंत्री वगैरह के लिए ये बना हुआ है छोटा छोटा। उधर देखिए एक घर भी बना हुआ है, उसके बगल में एक छोटा सा और बना है। और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कुछ ना कुछ तो और आइडिया मिलेगा। गलत समय में आ गए, ये सीजन घूमने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत पुरानी चीजें हैं, तो ये यहाँ पे घास वगैरह ग्रास वगैरह हो गई है, तो हर चीज़ें छुप गई हैं। हमें आइडिया नहीं हो रहा है कि कहाँ पे क्या है एक्चुअली, बट अगर आप गर्मी में आओगे ना, हर चीज़ आपको क्लियर दिखने वाला है। बट हाँ, इस सीजन के अलग मज़े हैं, गर्मी के सीजन के अलग कुछ मज़े होंगे। क्यों चाचा? क्या देख रहे हो गाइस? अंदर से फील नहीं आ रहा है, आओ घूमो यहाँ पे। मैं तो क्या बताऊँ, 15 दिन से सोच रहा था और आज बन ही गया प्लान, और आज यहाँ आपके सामने इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ। तो यार अपने पास होते हुए मैं कभी यहाँ पे आया नहीं। ये देखो गाइस, वाह व्हाट अ ब्यूटी यार, रीवा की धरोहर है ये। और ये एक गुफा, इसमें कितने लोग आ जाएंगे? 400-500 लोग तो आराम से। ये देखो चट्टाने यहाँ बाहर तक, पानी कोई मतलब गिर ही नहीं सकता किसी के ऊपर। गाइस अगर इस प्लेस का अगर रियल में जानना है ना कि कितना ओल्ड है, कितना पुराना है, तो इस चीज को देखो यार। क्या चाचा? पत्थर पे पेड़ लगा है। और इसकी जड़ आपको शायद उसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, इस पत्थर के अंदर जड़ गई है, मतलब परत बाई परत ले। गाइस देखो वहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये महल है हम लोग का, प्रजा हर जगह घूम के आओ फिर यहाँ के बैठना। एक कप चाय अगर होती ना, मजा आ जाता, क्योंकि ये व्यू देख सकते हो, लग जाते वहाँ दिखाओ ये व्यू, पूरी थकान खत्म हो जाती। सही बात बोल। और यहाँ पे हम लोग ऐसे बैठे हैं, एक कप चाय की कमी चल रही है और कुछ नहीं। लाना था चाचा, सब प्लान बना ही नहीं था हम लोग का। अगर देख अब इसीलिए तो मैं आया हूँ, मतलब कुछ कमियाँ हैं, कुछ हमने नहीं किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बॉटल पानी चाय कुरकुरे वगैरह जो भी आप लाना चाहते हो लाइए, बहुत सही पिकनिक स्पॉट है यार गाइस, मज़े करोगे यहाँ पे आके, मतलब वर्थ इट होगा। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इतनी रीवा से इतनी दूर आया कुछ आई नहीं, मतलब प्राचीन चीज़ें वो देखने को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मतलब जो एक रिलैक्सेशन और जो जिसके लिए हम आए हैं ना, वो चीज़ मिल रही है यहाँ पे, मतलब वर्थ इट है। अब चाय होता तो मैं अब क्या बताऊँ यार। चलो यहाँ से जाके पहले चाय पीनी है।
बाहर बाहर नहीं है, ऊपर ये साइड बैठे भैया वो टिल्ला बैठे वो वाला वो देखो यार मुर्गी कहाँ वो उस पत्थर पे वन मुर्गी ना इतनी हैवी है इतनी बड़ी वन मुर्गी तो नहीं देखे पहले कभी का कैसन रहा अपना थोड़ा बताइए ऐसे गोल गोल ऐसे पत्थर लगे रहे हैं गगरी हुआ राख है राख ही निकला पहले तो ये हम पुराने जमाने की ना वही जब बाबा बना पुराने जमाने के आही है पता नहीं कितने पुराना अच्छा लेकिन कहा रहा कि भाई जब एक हुआ कर रहे तो गगरी अति बड्डी निकला है वही में राख अच्छा का है बना बगैरा थोड़ा बताओ का कुछ अपना के परदादा लोग कुछ बताओ परदादा का बताए वो सब ऐसे पहाड़ ताए रह जाएंगे हमारा नाम है हेमराज सिंह तो और कुछ जानकारी दे मंगल जी जैसे ऐसा हडुआ भट्ठवा हो गया ईंट के ईंट के है हाँ हाँ है और जैसे वो बड़कवा हो गया वो पत्थर कैसे रहे तो जहाँ मतलब टूट रहे तो उनको बंदा चले गया तो यहाँ कैसे पर्यटक आवा था विदेश उदेश के आपको बहुत आवे होगा दिन में कम से कम 400-500 आदमी अच्छा अब आवत है अब कहोगे यहाँ सब यार जे जैसे सुनत है बहुत दूर दूर गया अच्छा अच्छा तुम्हारे विदेशों के आवा था तमाम अच्छा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जो भी हमने बौद्ध स्तूप के बारे में देखा यहाँ की ब्यूटी कुछ चाचा आप भी बोलना चाहेंगे अरे यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोग भी आए यहाँ और एक बार आके देखें ज़रूर आपको आना चाहिए बहुत सही प्लेस है बहुत अच्छा प्लेस है और यहाँ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना चाचा लड़का इतना मेहनत कर रहा है तो थैंक यू तो बनता है देख रहे हैं आप क्या हालत हो गई इसकी बाकी मज़ा मुझे भी है आपको भी मज़ा आएगा पर अगर दिल करे तो यार सब्सक्राइब कर दो लाइक जरूर करें चलो थैंक यू सो मच होप यू लाइक दैट वीडियो थैंक यू सो मच लिव योर लाइफ लिव योर थिंग बूम